तो मैंने सुना है कि आप गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जा रहे हैं, आपने शायद उसके विषय में कुछ पढ़ा होगा, आपने जाने का कार्यक्रम बनाया है तो I'm very much looking forward to that. You know, I understand it's quite grand, much bigger than the Statue of Liberty. so that'll be fun to see. And also to meet some of the women's groups there and hear how they've gotten involved in tourism or you know, how they see all the work that they do. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा. सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता ये रही थी, भारत को एक करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, यूनिटी में बहुत बड़ा रोल किया. तो मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने एक मास मूवमेंट शुरू की. मैंने लोगों को अपील की कि हर गांव से मुझे खेत में जो उपयोग किया है औजार, उसका लोहे का टुकड़ा चाहिए. हर गांव से एक लोहे का टुकड़ा चाहिए, और वो चाहिए क्या, जिसका कभी न कभी खेत में औजार उपयोग किया है. तो हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों से मैंने किसानों से लोहे का टुकड़ा इकट्ठा किया, उसको मेल्ट किया और उसका मैंने स्टैच्यू में उपयोग किया है. दूसरा, मैं हर गांव से मिट्टी लाया, उस मिट्टी का मैंने एक यूनिटी वॉल बनाया है. तो हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी उसमें है, और मेरा उसके पीछे स्पिरिट है यूनिटी का. हमने इतने बड़े देश की विविधताओं के बीच में एकता कैसे बनानी, उसके लिए मैंने स्टैच्यू बनाया. और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये डबल साइज का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज, ऊंचा स्टेज, और कम से कम समय में बनाया.